लडबढोल क्षेत्र में बीते शुक्रवार से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी कहर बरपाया है। जहां क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं, वहीं कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें कि लडबढोल क्षेत्र की काफी अधिकांश सड़कें बंद बताई जा रही हैं। वहीं लडबढोल क्षेत्र के खदर बल्हाड़ में भारी बारिश के कारण नाले का सारा मलबा घर में जा घुसा है। वहीं सियूण में घर का सारा डंगा नीचे लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आ गिरा है। लडबढोल क्षेत्र की सड़कों की बात की जाए तो सड़कों में बैजनाथ, कांडापतन, लडबढोल, सांडापतन, सियूण, भराड़ापट सड़क बंद चली हुई है। फ्लड आया बहुत ज़्यादा। फ्लड आने के बाद पूरा घर की जो बाइकें थी, स्कूटरी थी, वो पूरी मतलब मलबे में दब गई है। और उसके बाद फ्लड आ गया पूरा घर में नीचे। कारण क्या रहा जी? कारण सर ये रहा कि जो अपना मेन रोड का चैम्बर था वो बंद हो गया। बंद होने के बाद पूरा फ्लड जो है नीचे आ गया। और जेई को मैंने बताया था कि जेई सर घर के आगे इसके चैम्बर के आगे पत्थर आ गया, इसको हटवा दो, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। वो हटाने के बाद क्या मतलब उसमें फ्लड आ गया, ऊपर से बंद हो गया, पूरा फ्लड घर में आ गया और भारी नुकसान हो गया। नहीं अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? सर प्रशासन से कुछ नहीं करते हैं। ये प्रशासन जो है ऊपर ली तरफ जो है मेन रोड में नाली बनाए और इसमें RCC लगाए 5 से 10 फीट पूरी, और मतलब जो चैम्बर बनाया है उसके ऊपर बढ़िया से सीमेंट की ये बनाई जाए रोक। यही है सर प्रशासन से मांग।